हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विथ विनी में। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का पेपर विजुअल आर्ट्स का जल्द ही होने वाला है। समय बहुत कम है और यही चीज़ का आपका इंटरेस्ट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब में काफ़ी जोश है और बिल्कुल जिसका जिसने नेट क्लियर करना है, जिसने JRF करना है, आप इस बार करके ही रहेंगे। और आपका ये जोश, आप बोलोगे मैं कहाँ से देख रही हूँ, तो वो मैं अपने जो पब्लिक ग्रुप है विजुअल आर्ट्स विथ विनी, अगर कोई नया है तो प्लीज़ ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो विजुअल आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और डेली वहाँ जो क्विज होती है उससे आपका प्रैक्टिस होती है। वो PYQs को लेके भी होती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके भी होती है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। और उसमें जो आप लोग अभी जो नए लोग और PYQs करवा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है देख के कि ग्रुप इतना एक्टिव रह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही करते रहिए, लेकिन मुझे भी मेरा काम करना है, तो इसलिए आपको अगर PYQ सॉल्व चाहिए वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, देख लीजिए। हमारे यहाँ 2004 से लेके 2021 तक के पेपर ऑलमोस्ट सॉल्व हैं। जो बीच बीच में रहे हैं, मैं अभी ये कोशिश कर रही हूँ कि अपन उसको सॉल्व कर लें। तो इसी में ये जो पेपर आज का आता है, ये है सितंबर 2013 का पेपर, पेपर टू है और 50 क्वेश्चन है। तो आज इसको फटाफट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं बिना कुछ ज़्यादा बात करे हुए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। थियोडर जेरिकल्ट एक विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, ये किस कला आंदोलन को प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक है, तो थियोडर जेरिकल्ट एक यूरोपियन पेंटर, फ्रेंच पेंटर, ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, फ्रेंच पेंटर हैं, 18th सेंचुरी के थे। ठीक है, याद आया तो जाएगा। प्रिंट मेकर थे, भी थे, पेंटर भी थे। प्रिंट मेकर में क्या, लिथोग्राफी भी अच्छी करते थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि थियोडर गैरिकल थे कौन, तो इनको हम याद कैसे करते हैं कि ये थे प्यूनर ऑफ रोमांटिसिज्म, मतलब स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद। तो आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद, उसका प्रतिनिधित्व इनने किया था। और इनका जो फेमस पेंटिंग है राफ्ट ऑफ मेडूसा, याद रखना। और ये वही पेंटिंग है जिसके जो डेड बॉडीज जिसमें जो बनाई गई है, मृत शरीर जो बनाए गए हैं, वो रियल स्टडी करके बनाए हैं। अपने घर पे बॉडियां रख ली थी इन लोगों ने, इनने, और उस पे स्टडी कर रहे थे। ये इसी यही चित्रकार था, क्वेश्चन कभी आए तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, कौन कलाकार थे जो अर्थ आर्ट के अग्रणी समझा जाता है, मतलब उसको स्टार्टिंग लीडिंग आर्टिस्ट समझा जाता है अर्थ आर्ट का। अर्थ आर्ट बोले तो लैंड आर्ट। ठीक है, कौन थे, क्रैबस, लिपलॉड, रॉबर्ट स्मिथसन। तो रॉबर्ट स्मिथसन जो हैं, इनको अर्थ आर्ट लैंड आर्ट से एसोसिएट करा जाता है, उनके लीडिंग आर्टिस्ट माने जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि रॉबर्ट स्मिथसन कौन है, तो कहाँ से हैं, तो अमेरिका के हैं ये। दूसरी चीज़, ये जो वही ये लैंड आर्ट मूवमेंट है, अर्थ आर्ट मूवमेंट है, इसके फाउंडर माने जाते हैं, इसको शुरुआत किया है इन्हें। और ये अपने स्पाइटियल अरेंजमेंट, इस तरह का पेन, उसके लिए फेमस है। इनका एक फेमस वर्क भी है स्पाइटल जेनी, है ना, ये भी इस तरह का है। तो ये यही है, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। अब आगे देखते हैं अगला, भारतीय पुरातत्विक विज्ञान बोले तो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ठीक है, उसका जनक कौन है, फादर कौन है ना, इंडियन आर्कियोलॉजी के कौन है? तो वही जिनने हड़प्पा के टीले को खोजा था सर्वप्रथम, वही जिनने बड़हूत को इन्वेंट किया था। तो कौन है भाई, तो सर एलेक्जेंडर कनिंगम। एलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ये जो है ये वही है, इनके एक बेटे हैं एलन कनिंगम, ये एक फेमस मैथमेटिशियन है ना। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाले में आता है तो हम टेंशन में हो जाते हैं कि यार सही है कि नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन है कि नहीं, तो इसलिए बताया बस, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सा नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे ये, और ये ऐसे ही। ठीक है, अगला देखो, खजुराहो में कंदेरिया महादेव मंदिर, ठीक है, तो कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ है भाई, खजुराहो में है। उसके संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है, डबल लैटिन क्रॉस बना है, सही है ये, तो ऊंचा चबूतरा, मतलब ऊंचे चबूतरे बना, ये भी सही है, शानदार प्रकार, ये भी सही है, लैटिना शिखर, ये भी सही है, तो तीनों चारों ही सही है। तो इसलिए NTA ने इसको वो नहीं दिया था भैया, क्या इसका कोई आंसर ही नहीं दिया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं, किंग वॉल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? ठीक है, तो किसने चित्रित किया है, तो फेमस पक्षी पेंटर मंसूर ने किया है। मंसूर कौन है, तो जहांगीर के समय फेमस फौना और फ्लोरा, फ्लोरा और फौना, जैसे कि बोलेंगे पशु पक्षी और फल फूल
फूलों के लिए जाने गए थे। जहांगीर ने इन्हें नादिर उल असर की उपाधि भी दी थी, ये भी याद रखना। और क्या बता सकते, फैल्कन इनका, फैल्कन, नीलगाय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है ना। और ये इन्हें इंक, ओपेक इंक या वाटर कलर में किया था, है ना, किंग वल्चर एंड ग्रिफिन्स। ठीक है, आगे देखिए, पिकासो ने, पेब्लो पिकासो, क्यूबिज, याद रखो, मैन विथ वॉयलिन की चित्रकारी कब की थी, ठीक है। तो मैन विथ वॉयलिन जो कि उनने ऑयल ऑन कैनवास किया था, कब की थी चित्रकारी, तो ये उनने 1912 में की थी, ठीक है, मैन विथ वॉयलिन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तेल चित्रकारी, टोकी प्रक्रिया किसके आधार पर निर्मित है। तो तेल चित्रकारी मतलब ऑयल पेंटिंग की एक टेक्निक होती है टोकिंग। अब टोकिंग होता क्या है पहले वो देख लें, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो टोकिंग ये भाई कि जैसे कि आपको पता है ऑयल पेंटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है करने को, तो जब अगर कोई बिगिनर उसको स्टार्ट करता है ना, तो बिगिनर के लिए ही ये एक टेक्निक का नामकरण हुआ था, इसको वो हुआ था कि ऑयल पेंटिंग सिंपली ये कि अगर आपने ऑयल पेंट कुछ अप्लाई किया है पेंटिंग पे और अगर आपसे कुछ त्रुटि हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उस कलर को पोंछ के आगे काम अपना प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो एक टेक्निक है ये टोकिंग टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये टोकिंग टेक्निक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब ये किसके नाम पर आधारित थी, तो ये जो आधार थी जीन टोंग ड्यूबी, सर हेनरी टोंग, ठीक है, सर हेनरी टोंग, ये एक ब्रिटिश पेंटर, सर्जन, है ना, आर्ट लेक्चरर और क्या बोलेंगे, कैरिकेचरिस्ट, ये सब भी थे, है ना, इंप्रेशनिस्ट से इन्फ्लुएंस थे ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर हेनरी टोंग। अजंता की किस गुफा में शिबी जातक चित्रित है, ठीक है। तो शिबी जातक गुफा है ही नहीं भैया, ना एक में है, ना 24 में है, ना 18 में है, तो ये भी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था वो, है ना, शिबी जातक गुफा है ही नहीं इसमें, 17-10 में है, ठीक। तो ये आप हटा दो इसको। छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है ना, किसी भी छापा चला है उसमें हम आप चिकनाई क्यों लगाते हैं, ग्रीस क्यों लगाते हैं, वो यह चिकनाई है मतलब ल्यूब्रिकेंट, यह सतह को नरम बनाता है, यह पारदर्शी आधार उत्पन्न करता है, यह टूशे का घटक है। मतलब हम चिकनाई क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये एक जो टूशे जिसको आप बोलेंगे इंक, स्याही, उसका एक घटक होता है। तो ये डी आंसर आपका सही होता है, जिससे कि वो हेल्पफुल रहता है इंक अप्लाई होने में। छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ पे विकसित हुई थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत, जापान, चीन और जर्मनी, तो कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। देखो पारंपरिक जापानी कास्ट मतलब वुड वुड कट, है ना, वो किस प्रकार किया जाता था, सबसे पहले पारंपरिक ट्रेडिशनल, फोटोग्राफिक उपकरण का उपयोग करके, नहीं हाथ से, हाँ जी हाथ से किया जाता था, ठीक है, हाथ से इसको माध्यम को किया था, कंप्यूटर के जरिए नहीं, हाथ से, तो हाथ से सही है। निम्नलिखित में से किसने वर्ण श्यानता मतलब कलर विस्कोसिटी को लोकप्रिय बनाया है, बहुत अच्छे से जानते हैं कलर विस्कोसिटी को, किसने, कोरल समर्थ, पॉल लिंग्रेन, विलियम ब्लैक या स्टेन, तो स्टेनली विलियम हेटर, स्टेनली विलियम हेटर, ये फादर ऑफ विस्कोस, कलर विस्कोसिटी माने जाते हैं, ठीक है। ये वही हैं जिसने एटेलियर 17, सॉरी, अरे बाबा, एटेलियर 17 की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी, पेरिस में की थी, ठीक है। अब ये वही है, और इंग्लिश पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, और यही चीज अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में इनका नाम कौन आ जाएगा, कृष्णा रेड्डी, ये भी याद रखना अगर यही चीज इंडिया में पूछी जाए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रामकिंकर बेंच, रामकिंकर बेंच फादर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर इन इंडिया, अधिकांश मूर्तियां किस माध्यम से बनाई हैं, तो सब जानते हैं चिकनी मिट्टी, मार्बल, सीमेंट, कंक्रीट से बनाई हैं, चाहे वो संथाल फैमिली हो, चाहे वो सुजाता हो, चाहे वो यक्षी यक्षिणी हो, सब कुछ सीमेंट कंक्रीट से मोस्टली इनने बनाई है। आगे देखो, सिरेमिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है, ठीक है, चिकनी मिट्टी मिश्रण, क्ले बॉडी, सतह अभिक्रिया, कांचिक, चमक, ग्लेज और संयोजन, ठीक है। तो सिरेमिक वर्ड है वो किसका वो इम्प्रूव करता है, तो चिकनी मिट्टी मिश्रण शायद वो सही है, लेकिन इसको भी
उन्हें कैंसिल माना है, ठीक है, जो चीज़ वो हो गया है नेग्लिजिबल, तो इसका आंसर आपको नहीं बता सकते। पैटीना क्या है? पैटीना क्या होता है भाई? फिर आ गई कोई चीज़, पेंट की परत है, रासायनिक प्रतिक्रिया, सतह का मार्जन है और सतह ग्रे। बहुत चीज़ों को लोग कितनी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पेंट की परत है या कुछ और। तो देखो, पेंट की कोई परत नहीं होती। पेंट अगर मान लो एक बार पेंट किया, दूसरी बार पेंट किया, तीसरी बार पेंट किया, दिस इज पेंट परत, ठीक है, तो ये पटीना नहीं होता। पटीना क्या होता है? जब आप ब्रॉन्ज है ना, कास्ट की चीज को, के ऊपर हम जो एक केमिकल या लिक्विड अप्लाई करते हैं, तो उससे वो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसका, ठीक है, तो वो चीज़ पैटीना होती है। तो अब पैटीना क्या होगा, वो प्रिवेंट कैसे होता है, वो कैसे प्रिवेंट करता है उसके सरफेस को, एक रिएक्शन करके, ठीक है। हम जो केमिकल लगाते हैं वो एक रिएक्ट होता है, इसलिए वो उसको प्रिजर्व रखता है, उसको सही रखता है। तो इसी को आप क्या बोलोगे? रासायनिक प्रक्रिया एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब्दुल गफर खान है ना, का मुख चित्र किसने बनाया है? तो अब्दुल गफर खान का जो मुख चित्र है वो सरबरी राय, वो कौन है, ये शंखो चौधरी, चौधरी चौधरी, कंफ्यूजन, शंखो चौधरी ने बनाया है शायद, इससे ही है, स्टोन से ही है, स्टोन का है या मिट्टी का है, स्टोन का ही है शायद, है ना, तो शंखो चौधरी ने बनाया है। मुली रूज, मुली रूज मतलब मौलिन रोज, कहाँ पे है? पेरिस में है। क्या है? एक बार है, ठीक है। तो उसके पोस्टर्स का काम किसको सौंपा गया था? तो पता है आपको, पोस्ट इंप्रेशनिस्ट टॉलिस लॉटरिक, जो 2021 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उनके उस पर पांच वो आया था पोस्टर पे, ठीक है। तो टॉलिस लॉटरिक, मुलिन रोज का पोस्टर किसके द्वारा है? टॉलिस लॉटरिक, ठीक है। जैन एवरिल का भी पोस्टर इनने बनाया है, अभी आया था पिछली बार, इसलिए बता रही हूँ, जैन एंगल का। चलो, हेवेल्टिका, हेल्वेटिका एक अपनी वो है, टाइप ऑफ फेस है। कौन सी टाइप ऑफ फेस है? सेंस सेरिफ टाइप ऑफ फेस है। सेरिफ क्या होता है? सेरिफ वो होता है जैसे कि ये ए, ये सेरिफ, एक स्ट्रोक को ही सेरिफ बोलते हैं। तो सेरिफ इस तरह का स्ट्रोक होता है, इस तरह के टाइप ऑफ फेस होते हैं। सेंस सेरिफ मतलब बिना स्ट्रोक के, वो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह का हेल्वेटिका होता है। तो हेल्वेटिका कौन सा स्विस स्विस डिजाइनर द्वारा बनाया गया था 1957 में? तो एक बार याद रखो इसको, हेल्वेटिका स्विस डिजाइनर्स ने डिजाइन किया था 1957 में। अब किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन है। तो किसने किया था? सामने ही दिख रहा है, मैक्स मेडिगनर और एडवर्ड हॉफमैन, इनने जो है हेल्वेटिका डिजाइन किया था, जो कि ग्रोटेस्क टाइप डिजाइन से इन्फ्लुएंस था। चलो अगला, आर्ट नोवू में कौन से पोस्टर कलाकार, अभी ब्लोट्रिक की बात हुई है, एक और पोस्टर कलाकार आ गए, पोस्टर कलाकार संबंधित है, तो अल्फोंसो म्यूजा, अल्फोंसो म्यूजा पेरिस के एक, ये भी पोस्टर आर्टिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। ये आर्ट नोवू के माने जाते हैं, आर्ट नोवू मतलब डेकोरेटिव, डेकोरेशन, मैं आपको 10 बार बताया। तो अपने डेकोरेटिव डिजाइन, स्टाइलिश पोस्टर डिजाइन के लिए अल्फोंसो म्यूजा जाने जाते हैं, और इसलिए अपने आर्ट नोवू से इनको हम एसोसिएट करते हैं। टाइम्स रोमन, ठीक है, टाइम्स रोमन भी एक टाइप फेस है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टाइप फेस हैं, बहुत मोस्टली यूज करते हो, आप भी यूज करते हो। किसके द्वारा हुआ था ये? मोरिसोन, ठीक है, स्टेनली मोरिसोन, स्टेनली मोरिसोन है इसके, जैसे मेडिग्नेर उसके हेल्वेटिका के ना, वैसे इसका ही स्टेनली मोरिसोन। यह किस वर्ग में पड़ता है, ठीक है, मतलब सेरिफ है कि सेंस सेरिफ है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फेस जो है टाइम्स न्यू रोमन जो है वो सेरिफ है, मतलब उसमें स्ट्रोक होता है। निम्नलिखित में से उत्कीर्ण स्थापना सही कालखंड अनुसार, ठीक है, स्थापत्य है सही कालखंड, सबसे पहले कौन सा, सबसे बाद? तो लोमश ऋषि सबसे पुराना स्थापत्य का एग्जाम्पल, देखो वही दिख रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे अभी हमको वो है कि कार्ले पहले है, लेकिन अजंता और भाजे, तो भाजा कार्ले पहले, ऑब्वियसली भाजा कार्ले और अजंता, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। चलो फिर आते हैं, डोम ऑफ रॉक, हजिया सोफिया, चार्ट कैटिकल, सेंट पीटर इन वेडिकन, ठीक है, साफ ही दिख रहा है सामने ही, टाइम पीरियड्स, ठीक है। ए रोम बाइजेंटाइन, ठीक है, फिर चार्ट कहते वो गोथिक, ठीक। चलो आगे, फटाफट हो जाएगा ये तो।
अब ये पेंटिंग्स दे रखी है, इम्प्रेशन सनराइज, ग्लास ऑफ एब्सेंस, स्टेडी नाइट और मैन विद वन. तो इम्प्रेशन सनराइज अपना यही है भैया सही तो. ठीक है, मैनेट, एडवर्ड मैनेट, एडगर डेगास पेंटिंग्स है ना, स्टेडी नाइट वॉन गॉग, मैन विथ वायलेंट पिकासो. तो ये लिख लोगे तो बिल्कुल सीक्वेंस अरेंज हो जाएंगे. सीक्वेंस अरेंजिंग का पूछते हैं कैसे पढ़ें, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा. छापा कला की प्रतिक्रिया बताइए. ये जो है आपका एक्वाटेंट की प्रतिक्रिया है ना. सबसे पहले रेजिन डस्ट का ग्राउंड, तो रेजिन डस्ट का ग्राउंड या तो ये है या तो ये है. पर क्या रेजिन डस्ट के ग्राउंड के बाद सीधे प्रिंटिंग कर लोगे? बिल्कुल नहीं करोगे. उसके बाद आप एसिड प्रूफ ग्राउंड बनाओगे उसको, ठीक है, रेजिन डस्ट के बाद फिर नाइट्रिक एसिड अप्लाई और फिर प्रिंटिंग. तो सी आंसर आपका सही. चलो इसको कल क्रम अनुसार लिखिए. तो अलानी अप्पम, वी के शुक्ला, अनानी का लक्ष्मानी, के लक्ष्मा गौड़ है, ठीक है. तो आप वाई के शुक्ला फ्रॉम गुजरात, इनको कहा जाता है कि भारत में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत के ये भी हकदार हैं. ठीक, तो सबसे पहले ही आएंगे. तो बी आंसर सही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है मुझे, है ना. लक्ष्मा गौड़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फेमस प्रिंट मेकर. पलनी अप्पम चेन्नई से, वो भी पेंटर्स है ना. और आनंद निकम सबसे औरंगाबाद, ये सबसे लेटेस्ट हो जाएंगे. अगला देखें, ये भी आर्टिस्ट हैं, सीजान रेम्ब्रांड वेन रिया, ऐसा पूरा नाम है. हाँ, सीजान है, रेम्ब्रांड है, डेविड है और जियोटो है, ठीक है. तो आपके जियोटो सबसे पहले तो गोथिक पीरियड, ठीक है, फिर रेम्ब्रांड बरोक पीरियड, फिर डेविड नियो क्लासिज्म, पॉल सीजन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म. चलो इनका देख लें अपन टाइम पीरियड. इन एजेंसियों को अपने प्रारंभ होने के क्रम में लगाइए. तो सबसे पहले क्या क्या, जे डब्ल्यू थॉम्सन, ओगिल्वी माथर, एरिक्सन और एफ सी बी उल्का. तो आप थॉम्सन सबसे पहले, अच्छा यही है दोनों, फिर एरिक्सन, ये वाला बी आंसर सही है. थॉम्सन देन एरिक्सन, ओगिल्वी माथर और एफ सी बी उल्का. चलो अब इसमें से निम्नलिखित व्यक्तियों में, हाँ ये सब जो अपने एडवर्टाइजर हैं इनको आपको अरेंज करना है. तो बर्नेट रीव्स, डेविड ओगिलवी और बर्न बर्न बट, ठीक है. तो बर्नेट, थोड़ा इंग्लिश में याद रखती हूँ इसको मैं, देखो बर्नेट, क्योंकि ये मोस्टली आ जाते हैं, और बर बच. तो देखो जो बड़ा होता है वो जलता है, ऐसे बोलते हैं सबसे पहले ना, जो बड़ा जितना बड़ा होता है उतना जलता है बेचारा, चलता जाता है ऐसा. तो बर्नेट कौन सा, ये सबसे बड़े वरिष्ठ बर्नेट है, फिर रॉजर रीव्स हैं, फिर डेविड ओगिलवी हैं और बर्न बच अभी जन्म हुआ है तो छोटा है. तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बर्नेट और बर्न बच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रखती हूँ मैं, आपके ऊपर है आप कैसे याद रखेंगे. आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्कल्प्टर्स का, शंको चौधरी, महेंद्र पंड्या, धनराज भगत, चिंतामणि कर. तो चिंतामणि कर सबसे वरिष्ठ 1915, फिर धनराज भगत, ये रे सही है 1917 अप्रोक्स, नहीं धनराज भगत, शंको चौधरी, फिर महेंद्र पंड्या हो जाएंगे, ठीक है. चाहे तो इनको अप्रोक्स ले लें अपन, 16-17 के ही हैं, यही सही है, महेंद्र पंड्या दी आंसर. फिर मेटल कास्टिंग का प्लेस देखो, सबसे पहले वेस्ट माउंट, फिर पीस माउंट, फिर वैक्स करेंगे और फिर उसमें इन्वेस्टिंग माउंट डाउंगे. 10 बार बता चुके हैं चीज़ों को, बार बार उसमें कितनी बार आया ये क्वेश्चन है ना. सबसे पहले उसको मोल्ड बना के फिर अपना उसको वेस्ट मतलब वही करेंगे, हटाएंगे पीस मोल्ड, वैक्स वैक्स डालेंगे और इन्वेस्टमेंट में अभी में आ जाए क्या. सिल्क स्क्रीन छपाई प्रक्रिया बहुत से अन्य क्षेत्रों में अपनाई गई है, ठीक है सही है, क्योंकि यह है सर्वतोन्मुखी माध्यम, मतलब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल नहीं वर्सेटाइल है, ठीक है. तो सही है, दोनों सही है, अपनाई जाती है, बिल्कुल अपनाई जाती है, ठीक है. तो सी आंसर. चलो आगे देखें, काष्ठ उत्कीर्ण मतलब वुड इनग्रेविंग और वुड कट ने अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए छपाई माध्यम का एक व्यापक रूप से उपयोग किया है, मतलब है ना एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छे पब्लिकली यूज किया है. क्यों? क्योंकि काष्ठ आसानी से उपलब्ध माध्यम है, बिल्कुल है, और उत्कीर्ण करना भी आसान है. तो दोनों ही चीज सही है, वुड कहीं भी मिल जाएगा. मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में अन्य माध्यमों की तुलना में ब्रॉन्ज कास्टिंग
के माध्यम में अधिकतम लचीलापन और स्वतंत्रता बरसाई जाती है। ठीक है, कांस्य मूर्तियां एक बार ढलाई हो जाए तो टूट नहीं सकती, इसलिए किसी प्रकार के आकार ये गलत है, टूट सकती है, आप उसको वापिस वो कर सकते हो। तो ए सही है परंतु आर गलत है। बलवीर सिंह कट, ठीक है, ने मार्बल और बलुआ पत्थर की सर्वाधिक लंबी मूर्तियां बनाई। ठीक है, सही बात है, वो कट को सख्त सामान पर काम करना अच्छा लगता था, इट्स नॉट नेसेसरी, जब नॉट नेसेसरी होता है तो बात क्रॉस पे आ जाती है। तो ए सही है और आर गलत है, ये सही है। ठीक है, BHU के हेड थे ये, और एजुकेशन शांति निकेतन की है, ये BHU से मतलब इनका डेथ वगैरह का कुछ पता ही नहीं है, ये किडनैप हो गए थे। सॉरी, कंपनी चित्रकारी, ठीक है, कंपनी चित्रकारी यूरोपियन तथा भारतीय चित्रात्मक विशेषताओं का संश्लेषण है, मिक्सचर है, सही बात है। कंपनी चित्रकारी यूरोपियन संरक्षणों के लिए भारतीय चित्रकारी की चित्रकारी का नतीजा थी, तो सही था, है ना, यूरोपीय जो, तो दोनों ही सही है, इसमें क्या डिस्कस करें। विनोद बिहारी मुखर्जी ने जब शांति निकेतन 1972 का टाइल भित्री चित्र बनाया था, मेडिवियल सेंट जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिवियल सेंट, 1972 में बनाया था, तो वो अंधे थे, वो नहीं देख सकते थे, जन्म से वो पूर्ण रूप से अंधे थे ऐसा नहीं है, जन्म से अंधे नहीं थे, ये सही है और ये गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है, ए आंसर। तुगलक स्थापत्य, ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक का मकबरा याद रखो अगर देखा हो तो, उनकी दीवारें अनगढ़े पत्थरों से बनाई गई थी। ठीक है, उन पर प्लास्टर लगाया जाता है पर वे तिरछी होती है, तिरछी मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बाटर्ड बोलते हैं ना, जो उस तरह की होती है, क्योंकि अनगढ़े पत्थर पर मार्टर जो गारे समझते हैं ना, गारे होते हैं, से बनी तिरछी दीवार तो ज़्यादा स्थिरता और मजबूती होती है, जो तिरछी दीवारें बनी रहती है वो बहुत, ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत मजबूत होती है और स्थिर होती है, तो दोनों ही सही है भैया। नेक्स्ट देखें, ग्राफिटो, एस ग्राफिटो एक प्रकार की तकनीक है जिसे फ्रांसीसी कलाकार जियार ड्यूप्रे के द्वारा काफी लोकप्रिय बनाई गई थी, जॉन डफेड बर्न। ठीक है, अब जॉन ड्यूप्रे ने ये तकनीक को खोज निकाला क्योंकि चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए आसान थी, चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के ये टेक्निक नहीं करती है, ये टेक्निक क्या है, पेंटिंग है, पॉटरी है, ग्लास है, उसको कुछ भी आपको कंट्रास्टिंग कलर से कुछ चीज को क्रिएट करना, चाहे वो वॉल पे कर रहे, ये टेक्निक ग्राफिटो होती है, ग्राफिटी आप सब जानते हैं, तो ये गलत है और ये सही है, तो आर सही है परंतु, ये सही है परंतु आर गलत है। इंटरनेट तथा फैक्स मशीन के आविष्कार के साथ कंपनियों के लिए अपना लोगों का सरलीकरण करना आवश्यक हो जाता है, सही बात है, क्योंकि लोगों की सरलता ही उसकी स्मरणीयता तथा पहचान आसान बनाती है, ऑब्वियसली आप उस वही जो लोग है, लोगो है, उसी से आप उसको स्मरण रखते हो, उसको याद रखते हो और उसकी पहचान बनाते हो, तो दोनों ही चीज़ आपकी क्या है, सही है। सी, नेक्स्ट, कलर ऑफ इंग्लिश में रंग शब्दों बगैर अर्थ और संदेश प्रेषित करने के लिए तात्क्षणिक विधि प्रदान करता है। ठीक है, दार्शनिक मतलब एक अच्छी अरे एक मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है, क्योंकि ब्रांडिंग के लिए रंग और मनोविज्ञान असंबंधित होते हैं, असंबंधित नहीं भाई, संबंधित होते हैं, ये हटा दो। ठीक है, तो वो सही है और ये गलत है, सही है परंतु आर गलत है। चलो अब आ गए फेवरेट, अंतःबोध, अब इसको तो इंग्लिश देखना पड़ेगा मुझे, मतलब याद करना पड़ेगा। इंट्यूशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो याद है वो तो बता दो। अनुकरण मतलब इमिटेशन, और आकारवाद मतलब वो अपना फॉर्मलिज्म। ठीक है, तो किसने क्या दिया, बढ़िया, बहुत अच्छे से पता है अपने को, इंट्यूशन का सिद्धांत क्रोचे ने दिया है, कहाँ है क्रोचे, क्रॉस नहीं है, बेनेडिटो क्रोचे है, मेरा। फिर संप्रेषण का टॉलस्टॉय ने, अनुकरण का प्लेटो ने, और आकारवाद का रॉजर फ्राई ने, तो ए का सेकंड कौन सा है, बी आंसर आपका सही है। चलिए आगे देखें,
तेली का मंदिर कहाँ है? तेली का मंदिर ग्वालियर में, ग्वालियर किले में। वेटल देउल कहाँ पे है? अपना भुवनेश्वर में। 64 योगिनी बेड़ाघाट जबलपुर में। विमल वसाई माउंट आबू। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। फर्स्ट आंसर। विलियम स्टेनली हेटर, अभी अभी पढ़े थे अपन, याद हो तो। किसके सामने जाएंगे? कलर विस्कोसिटी, सामने ही दिख रहा। सेनेफेल्डर, लिथोग्राफी के इन्वेंटर, फादर। जॉन गुटेनबर्ग क्या लाए थे? मूवेबल टाइप प्रेस आए थे। कोरल समर्स जो है अपने वुड कट, वुड इंग्रेविंग्स के लिए जाने जाते हैं। तो ए का थर्ड और आपका ये सी आंसर सही है। चलो इनको मिलान कीजिए तो रॉडेट, धातु की प्लेट टेक्सचर, ये आना चाहिए। ए का टू, आयरन लेविग्रेटर, ये रहा ग्रेनिंग स्ट्रेंथ। देखो सी का फोर्थ जहाँ है, सी का फोर्थ यहाँ है और यहाँ है। स्क्वीजी, दूसरे सिरे तक रंग ले जाना, ये रहा डी का वन, डी का वन, सी का फोर्थ, ठीक है, बी का थर्ड, ब्रेयर प्रिंटिंग के लिए, और ये क्या है अपना ए का टू, रोलेट धातु में टेक्सचर, वो जो अपन लाते हैं ना मीजो टिंट के लिए। तो कौन सा आंसर सही हो गया भाई? डी आंसर सही है। वैशाली, वैशाली क्या है? वैशाली में अशोक का स्तंभ है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, मोहनजोदाड़ो पे ग्रेट बाथ है और सांची पे स्तूप है। ए का टू, ये बी आंसर आपका सही है। चलो 5 क्वेश्चन बचे हैं, फिर जयराम जी की। चलो नागजी पटेल, ए का टू, ए का टू, बी का वन, सी का फोर्थ, बी का वन आना चाहिए मीरा मुखर्जी, तो ए का फोर्थ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ए का फोर्थ करें। नागजी पटेल ने ब्रास में स्टोन स्कल्प्टर है। चलो इसको मैं बाद में बताती हूँ, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ये अपन कितनी बार बता चुके हैं यार, आलेख पदिन सी, कौन है? लता जी, पीयूष पांडे, कहाँ गया पाठ, वोडाफोन जुजू ना, आर बल की पा, और पसून जोशी ठंडा मतलब कोका कोला, ये सब उनका टैगलाइन है, ठीक है। ए का टू, ये आंसर फर्स्ट वाला आपका सही हो जाता है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किससे बनाई? सेल्वेडर डाली, सियोरिज्म की फेमस पेंटिंग। ब्लैक लाइंस विलियम इंडिस की, ब्रह्मचारिंस अमृता शेगिल, और एट्रियम गगन नाथ टैगोर। तो ए का थर्ड फर्स्ट आंसर सही है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन, वाटर कलर क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट कलर। इम्पेस्टो क्या है? मोटी मोटी कलर्स का लेयर लगाओ, इम्पेस्टो टेक्निक है। स्पैटरिंग क्या है? तो छोटे छोटे डॉट को आप जो वो करते हो ना उसको स्पैटर कहते हैं, जैसे स्प्रे किसको कहते हो, है ना आम भाषा में। गॉज क्या है? कि वाइट कलर को हर कलर में मिलाना। तो एक ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये किसकी फेमस हेडलाइन है। एट 60 miles an hour द लाउडेस्ट नॉइज इज इन दीज रोड्स रोई कम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक क्लॉक। ये किसने लिखा है? तो ये आपका है ओगिलवी का। फिर थिन स्मॉल कैंपेन फॉर वोडाफोन बीटल, ठीक है। तो वोडाफोन बीटल की बात हुई तो अपन विलियम बर्नबर्ट। देर इज एन इनहेरेंट ड्रामा इन एवरी प्रोडक्ट, ये आपका है बर्नबर्ट ये सामने। और बाय दिस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट दिस बेनिफिट, ये रोजे रील्स, ठीक। तो आंसर आपको कौन सा? ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सितंबर 2013 का सेकंड पेपर था, ठीक है। थर्ड पेपर भी अपन इसको जल्दी कर देंगे। 2013 भैया पूरा कंप्लीट करा दिया। 2013 के 3 पेपर मिलेंगे आपको, एक जून का मिलेगा, एक दिसंबर का मिलेगा, एक सितंबर का मिलेगा, और तीनों में दो दो पेपर हैं, पेपर टू और पेपर थ्री। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, और जो कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ID आपको मुझे नीचे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, पर प्लीज बस पढ़ाई करो, कोई भी जरूरत हो तो I am here, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।